कानपुर की घटना पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने दुख व्यक्त किया है। मायावती ने सरकार से मांग की है कि शहीद पुलिस के परिवार को समुचित अनुग्रह राशि के साथ ही परिवार के किसी सदस्य को नौकरी भी दें। मायावती ने मंगलवार को ट्वीट कर कहा कि कानपुर में शातिर अपराधियों द्वारा एक भिड़ंत में डिप्टी एसपी सहित 8 पुलिस कर्मियों की मौत और 7 अन्य के आज तड़के घायल होने की घटना अति दुखद, शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है। स्पष्ट है कि यूपी सरकार को खासकर कानून व्यवस्था के मामले में और भी अधिक चुस्त और दुरुस्त होने की जरूरत है। मायावती ने आगे लिखा कि इस सनसनीखेज घटना के लिए अपराधियों को सरकार को किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहिए। इसके लिए विशेष अभियान चलाने की जरूरत ही क्यों न पड़े। सरकार मृतक पुलिस के परिवार को समुचित अनुग्रह राशि के साथ ही परिवार के किसी सदस्य को नौकरी भी दे। बीएसपी ने ये मांग की है। इससे पहले अखिलेश ने ट्वीट कर कहा कि उत्तर प्रदेश के आपराधिक जगत की इस सबसे शर्मनाक घटना में सत्ताधारियों और अपराधियों की मिलीभगत का खामियाजा कर्तव्यनिष्ठ पुलिस कर्मियों को भुगतना पड़ा है। अपराधियों को जिंदा पकड़कर वर्तमान सत्ता का भंडाफोड़ होना चाहिए।